गाड़ी जब नई नहीं उठाई थी ना, तो उस टाइम पे जो फील था वो अभी आ रहा है। तो मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा है कि उस आधे लीटर लिक्विड का असर अभी से ही धीरे धीरे से मालूम होने लगा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया हो गए यार। सो रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मैं अपनी स्कॉर्पियो को करूंगा भाई डीजल पर्च। डीजल पर्च का देखो क्या इस्तेमाल होता है भाई। एक तो गाड़ी डीजल इंजन जो होता है वो भाई इतने समय के साथ चलते चलते उसमें जो फ्यूल इंजेक्टर होते हैं जिसमें थोड़ी सी ना गंदगी सी इकट्ठी होने लगती है, मतलब कि जो फ्यूल में मिलावट होती है या फिर जो फ्यूल में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो फ्यूल फिल्टर से भी बच के आ जाते हैं, वो समय के साथ फ्यूल क्या बोलता है कि जो इंजेक्टर्स है उसको थोड़ा सा ना चोक करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो इंजन होता है डीजल इंजन वो वाइब्रेट बहुत करता है। और आजकल मार्केट में BS4 इंजन और BS4 फ्यूल ये दोनों बैन हो चुके हैं, इसका सेल नहीं होता। तो अब जितने भी डीजल आ रहे हैं गाड़ी मार्केट में इस टाइम पे, चाहे आप कहीं से भी ले लो, वो आपको BS6 गाड़ी का मिलेगा। और BS6 गाड़ी में क्या होता है, उसमें होती है सल्फर की मात्रा कम, जो BS6 डीजल फ्यूल होता है, जिससे ये होता है कि जो BS4 गाड़ियां हैं और सल्फर जो इस्तेमाल होता है वो होता है भाई थोड़ा सा ना इंजन को अंदर से ल्यूब्रिकेट करता है सल्फर, जिससे जब सल्फर हट चुका है तो जितने भी इस टाइम पे BS4 डीजल इंजन है वो सारे ड्राई रन कर रहे हैं। ड्राई रन कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो उनके अंदर एक तो देखो ल्यूब्रिकेशन होता है इंजन ऑयल से और जो एक डीजल आता है उससे। तो जब डीजल इतना ड्राई चल रहा है BS4 इंजन, तो जिससे क्या होता है कि इंजन में समय के साथ वाइब्रेशन बढ़ जाती है और गाड़ी कम माइलेज देती है और इंजन की जो आइडल साउंड होती है ना वो भी थोड़ी सी ज़्यादा खटखट खटखट होने लगती है, क्योंकि जो फ्यूल इंजेक्टर हैं, अब जैसे चार इंजेक्टर होते हैं स्कॉर्पियो में, तो ये चारों एक साथ मतलब कि आवाज़ करते हैं जिससे गाड़ी वाइब्रेट होती है और आइडियल पे खासकर, और माइलेज भी बहुत कम देती है। तो जिसके लिए मैंने कुछ दिन पहले ये मंगवाया था भाई लिक्विड मोली का डीजल पर्ज। ये हाफ लीटर की कैन है और मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये मेरे को 826 रुपये अभी बूट में से मिल गया है, और अभी डिस्काउंट चल रहा था जिससे आपको ये 1200 की कैन तकरीबन 826 रुपये के अराउंड आपको मिल जाएगी। इस पर्ज का क्या इस्तेमाल होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इसे आप क्या बोलते 75 लीटर तक टैंक तक आप इसमें डाल सकते हो, जिसमें 75 लीटर डीजल हो उसके ऊपर भी आप इसे डाल सकते हो। वैसे तो इस टाइम पे मैं अभी बोलूँ तो मैं स्कॉर्पियो में माइलेज गाड़ी जो है रिजर्व पे लगी हुई है इस टाइम पे, और 130 का रेंज दिखा रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि अभी 130 का रेंज दिखा रही है। सो जो ये पर्ज है तो इसका मैं इस्तेमाल बताता हूँ। ये क्या करता है ना, जो डीजल गाड़ी होती है खासकर BS4, उसमें ये ना चीज़ आपको ज़्यादा जल्दी दिखाई देगी। BS4 गाड़ी में क्या होता है कि जो मैं बताता हूँ इंजेक्टर चोक हो जाते हैं ना, वो इंजेक्टर ये पर्ज क्लीन करेगा। पर्ज होता है दरअसल जो भी मैं अपने डीजल में से मिक्स करूँगा, तो मिक्स करने के बाद ये होगा कि जब ये डीजल इंजेक्टर पे आएगा फ्यूल पंप के थ्रू, तो जो इंजेक्टर में चार पिन होती हैं, हर इंजेक्टर पे चार चार पिन होती है, जो उस पिन में ना गंदगी बढ़ जाती है जिससे अच्छे से फ्यूल बर्न नहीं होता, वो ये पूरा क्लीन करेगा। प्लस ये जो डीजल में जब तक ये डीजल में मौजूद रहेगा जितने भी लीटर आपका डीजल करंट है, तो ये उसे ल्यूब भी करेगा, मतलब ल्यूब्रिकेट भी करेगा। हाफ लीटर की कैन है ये, आप देख सकते हो, और काफ़ी मतलब अच्छे से मतलब कैन में आती है ये। और इसको आज हम अपनी स्कॉर्पियो में मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसका रिजल्ट चेक करेंगे। देखो एज सच मैंने आज तक कभी ये यूज़ नहीं किया है, तो मैं भी नहीं जानता इसका कितना इस्तेमाल होता है क्या होता है। और अपनी स्कॉर्पियो भी इस टाइम पे 105,219 किलोमीटर चल चुकी है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं अपनी स्कॉर्पियो इस टाइम पे इतनी चल चुकी है। तो जो ये पर्ज है ना, इस पर्ज को हम पहली बार अपनी स्कॉर्पियो में ट्राई करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि सफाई के साथ इंजन की भी सफाई करना ज़रूरी होता है। और जब इंजन की सफाई कर रहे हैं तो इसी के लिए मैंने इसके साथ साथ एक चीज़ और मंगवाई है, वो है भाई ये लिक्विड मोली का सुपर डीजल एडिटिव। ये जैसे आपने देखा होगा कि बाइक्स में हम लोग जब पहले बजाज के स्कूटर आते थे उसमें लोग एक पाउच सा डाल देते थे, जिससे क्या होता था इंजन अच्छे से लुब्रिकेट रहता था। तो ये कुछ कुछ उसी तरीके का है। और इस दोनों कैन का क्या डिफरेंस है वो भी मैं इस वीडियो के बाद बताऊँगा कि इन दोनों कैन का क्या मतलब है। तो ये मैंने दो कैन मंगा ली थी, ये तकरीबन 250 ml की मैंने कैन है और ये आपको 300 रुपये की जैसे ही कुछ मिल जाएगी। तो जो ये वाली वीडियो है, ये जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा भाई ये सबसे मेन चीज़ है जो डीजल पर्ज। एक बार अपनी स्कॉर्पियो में ट्राई करता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि ये रेकमेंडेड है कि नहीं और इससे मेरी स्कॉर्पियो का कितना फ़ायदा हुआ है। वैसे मैं चलो आपको भी एक बार आइडल साउंड सुनाता हूँ अपनी स्कॉर्पियो की, कि जो करंट में आइडल साउंड आ रही है वो कैसी आ रही है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस पर्ज को इस्तेमाल करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपनी गाड़ी का फ्यूल फिल्टर है वो फ्यूल फिल्टर आप जरूर से ज़रूर चेंज कर लीजिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे जो मेरा फिल्टर लगा है वो तकरीबन 5,000 किलोमीटर चल चुका है, तो वो फिल्टर ऑलरेडी गंदा है। तो जब मैं ये पर्ज मिलाऊंगा ना, तो वो क्या होगा, वो उस गलत खराब फिल्टर में आएगा और ख़राब पर्ज बन जाएगा, मतलब कि खराब डीजल का मिक्स हो जाएगा। तो एक फ्यूल फिल्टर भी मैं आपको बोलूँगा। वैसे ये मेरे को स्कॉर्पियो का मिल गया था, 600 रुपये का है, 560 रुपये का मिल गया था MRP है। तो आप फ्यूल फिल्टर भी ज़रूर से चेंज करिएगा।
मैं रेकमेंड करता हूँ फ्यूल फिल्टर जरूर चेंज करने का और फिर आप ये पर्ज यूज करेगा। तो चलिए मैं आपको अभी इंजन की एक बार आइडल साउंड सुनाता हूँ कि आइडल साउंड कैसी आ रही है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस टाइम पे जो अपना डीजल है जो इंजन है सॉरी कितना वाइब्रेट कर रहा है, आवाज सुन लो आप। यहाँ पर अपना फ्यूल फिल्टर चेंज होने लगा है और ये रहा भाई अपना फ्यूल फिल्टर चेंज होने में ना, ये मुझे पैकेट देख के लगा क्योंकि तो उसमें वो आता एक है डीजल फिल्टर चेंज करा लिया और अब बारी है भाई ये पर्ज को डालने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डीजल टंकी खोलते हैं इसकी और अपनी गाड़ी में भी जो डीजल है ना वो भी एकदम ठीक है क्योंकि हम ना पूरी क्लीनिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा डीजल में मिक्स नहीं करेंगे, बस प्रॉपर यही डालेंगे। तो चलो अब मनोज भैया को कैमरा देता हूँ, मनोज कैमरा पकड़ो। तो आप ये देख सकते हैं जो पर्ज की बोतल है ना इसको खोलने के लिए आपको पहले यहाँ पर दबाना पड़ेगा और इसको घुमाना पड़ेगा। तो ये हमारी बोतल खुल चुकी है और यहाँ पर आप ये सील देख सकते हो, ये सील है और सील को आपको खोल कर ये पर्ज को आपको मिक्स करना है। तो आप देख सकते हो ये पूरा पर्ज हमने इस पर डाल दिया। वैसे तो अब थोड़ा सा बाहर एकदम डीजल की पानी की तरह था ये पर्ज। इस बोतल को हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम रख लेते हैं। और पर्ज डालने के बाद क्या होता है नियम मैं आपको बताता हूँ। अपनी गाड़ी को हमें 1500 RPM में चलाना है, मिनिमम 1500 RPM मेंटेन करके गाड़ी को कम से कम 30 किलोमीटर चलाना है। तो मैं अपनी गाड़ी का ट्रिप भी को करता हूँ जीरो और अब हम गाड़ी को 1500 RPM पे रख कर 30 किलोमीटर चलाएंगे। और उसके लिए मैं आपको बोलूँ अगर आपके पास कोई हाईवे वगैरह ना घर के आसपास तो उसमें आप ये पर्ज डाल के चलाओ थोड़ी दूर तक, जिससे रिजल्ट अच्छा आएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोशिश आप ये करना कि अगर आपको अच्छे से क्लीनिंग करना और अगर आपकी गाड़ी खूब ज़्यादा चल चुकी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने टैंक को खाली रखो, मतलब मीटर कम बोलना चाहिए और फिर आप पर्ज को डाल के गाड़ी को चलाओ, जिससे ये फ़ायदा होगा कि गाड़ी के इंजेक्टर अच्छे तरीके से साफ़ होंगे। क्योंकि अगर आप आधे लीटर को ना 75 लीटर के या फिर 60 जितना भी आपका टैंक फुल में आप मिला दोगे तो इससे ये होगा कि सफाई थोड़ा सा ना आपको इतनी जल्दी मालूम नहीं पड़ेगी। अब हमने मिला दिया और हम गाड़ी को 1500 RPM पे तीसरे गियर पे चला रहे हैं और इसे हमें थोड़ी दूर तक कंटिन्यू ऐसे ही रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे गाड़ी को क्रूज़ पे सेट कर देंगे। तो हमने क्रूज़ पे सेट कर दिया जिससे ये होगा कि अब हमारी गाड़ी 1500 RPM पे है और क्या बोलते एक लिमिटेड स्पीड पे 30 किलोमीटर तक चलती रहेगी। अब पर्ज डलते साथ ही आप इंजेक्टर की जो आवाज़ें हैं ना वो आप चेक करना कि कैसे चेंज हो जाएगी। ऐसा मेरे को पता चला है कि इनसे यही फ़ायदा होता है तभी मैंने ये मंगाया है। वैसे मैंने भी इसे कभी यूज़ नहीं किया है तो मैं भी पहली बार देखूंगा कि इसका फ़ायदा असल में होता क्या है। तो चलिए अपन गाड़ी 30 किलोमीटर तक चलाते रहते हैं ऐसी। एक बात मानो या ना मानो अभी पर्ज डाले हुए केवल हम 9 किलोमीटर चले हैं और मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा है कि उस आधे लीटर लिक्विड का असर अभी से ही धीरे धीरे से मालूम होने लगा है। इंजन में मैंने अभी इस टाइम पे गाना बंद कर दिया है और स्टेयरिंग इससे पहले मेरा बहुत मतलब ना 100-80 की स्पीड में भी ना इंजन का थोड़ा सा वाइब्रेशन स्टेयरिंग में महसूस होता था, वो मेरे को अब उतना मालूम नहीं पड़ रहा है। और इंजन में जो नॉइज़ आती है ना इंजन की केबिन में वो भी कम आ रही है। चलो मैं तो खैर गाड़ी रोज चलाता हूँ, मनोज भैया भी बोल रहे हैं कि क्यों मनोज भैया आवाज़ में अंतर आया ना, बहुत अंतर आया। मतलब अभी बस हम 9 किलोमीटर चले हैं जिससे मनोज भैया भी बोल रहे हैं कि हाँ भाई अंतर है गाड़ी। 16 किलोमीटर हो चुका अभी तक हमें गाड़ी चलाए और अब धीरे धीरे जो होता है ना ग्रेजुअली अंतर हमें अब महसूस होना स्टार्ट होगा। वैसे मैं अभी बता दूँ तो अभी 19-20 का फर्क आया थोड़ा सा, उतना भी खास अभी फर्क मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई बहुत बढ़िया हो गया ये हो गया वो हो गया, पर हाँ थोड़ा थोड़ा अंतर हमें महसूस हो रहा है। सो अभी हम क्या कर रहे हैं ना जितना हो सके हम गाड़ी को चला रहे हैं जितना हो सके सिटी में, क्योंकि सिटी में होता है हाई RPM में कम स्पीड में और लो गियर पे गाड़ी खींचनी पड़ती है। लगभग 29 किलोमीटर चल चुके हैं और अब मैं भाई आपको एक बात बताता हूँ, इससे पहले जो मेरी गाड़ी में
पिकअप की बात बोलूँ ना, मैं जो पिकअप था चौथे गियर पे, आप समझ लो मेरी गाड़ी 80 मुश्किल से पहुंचती थी और पूरा इंजन वाइब्रेट कर जाता था। अभी मैंने तीसरे गियर पे आप 80 तक उठा दी गाड़ी, भाई गाड़ी ने जवाब नहीं दिया। भाई मनोज भैया ये बोल रहे हैं कि गाड़ी जब नई नई उठाई थी ना, तो उस टाइम पे जो फील था वो अभी आ रहा है, क्योंकि मनोज भैया तब से मेरी गाड़ी में बैठ रहे हैं जब से मेरी गाड़ी नई थी, और तब तक मेरे को ड्राइविंग भी नहीं आती थी। और अभी हम और पर्च को यूज़ करेंगे और मतलब अपनी गाड़ी ड्राइव करेंगे, तो जिससे है कि और रिस्पॉन्स अच्छा निकल के आएगा और हम आपको अच्छे से बता पाएंगे कि क्या ये पर्च एक्चुअली वर्क करता है कि नहीं। अभी तक का मैं आपको स्टेटस बताऊं तो पर्च अभी तक वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, अच्छा वर्क कर रहा है और धीरे धीरे हमें प्रोग्रेस मालूम पड़ने लगी है गाड़ी का। मैं बता रहा हूँ जब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जब ये 20-25 हज़ार किलोमीटर थे ना तब जो चलती थी वही अभी मेरे को धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, फील हो रहा है। अब मैं पर्ज को और कर रहा हूँ इस्तेमाल। और अभी मैं रेंज की बात बोलूँ तो आप ये रेंज देख सकते हो, 104 किलोमीटर दिखा रहा रेंज। और ब्रेकिंग वगैरह तो हमारी बढ़िया है ऑलरेडी, क्योंकि हम ब्रेक वगैरह चेक करवाते हैं, पर जो आइडलिंग इंजन साउंड है वो मैं आपको अब चेक करवाऊंगा। अभी इंजन साउंड सुनो, अभी जो थोड़ा 40 किलोमीटर चली उसका ये हाल है। अब क्या करते हैं ना, थोड़ी सी गाड़ी को और चलाते हैं और फिर देख करते हैं इसका जो इंजन साउंड आ रहा है वो लगभग कितना आ रहा है। अभी हम मैं भाई लखनऊ एक्सप्रेसवे पे और मैं गाड़ी को 110 पे क्रूज कर रहा हूँ 2000 आरपीएम से ऊपर, तो जिससे क्या हो रहा है कि अपना जो डीजल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बर्न होगा और जो अपना पर्ज है वो डीजल लाइन पर जल्दी से आ जाएगा और जो इंस्टेंट इफेक्ट है वो देने लगेगा। वैसे मैं आपको अभी स्टेटस बता दूँ कि हाँ अंतर अब हमें महसूस होने लगा है लगभग। अब हम घर जाकर ना एक बार आइडल साउंड और सुनाएंगे इंजन की और एक बार इंजन बंद करके चालू करेंगे, तो देखते हैं कि इंजन टाइमिंग चेंज हुई है कि नहीं हुई है। वैसे माइलेज वगैरह भी चेंज होगा इससे, तो वो सब भी आने वाली वीडियोस में आपको धीरे धीरे हम अपडेट करते रहेंगे। हम घर पे आ चुके हैं और एक चीज़ मेरे को जो अंतर महसूस हुआ है वो हुआ है कि भाई इससे पहले जो इंजन में आवाज़ आ रही थी ना उसमें एक जैसे होता ना कि बचपन में प्लास्टिक की बोतल साइकिल में बांध देते हैं तो वैसी आवाज़ आती कड़कड़ कड़कड़ करके, वो आवाज़ नहीं आ रही है। आप देखो गाड़ी में मैं रेंज की बात बोलूं तो रेंज दिखाता हूं मैं आपको, अभी रेंज ज़्यादा बची हुई है अभी। खैर अभी उतने अच्छे से डीजल में पर्च पूरा आ नहीं पाया है इंजन तक, रेंज आप देख सकते हो रेंज है भाई अभी 70 की, तो जैसे जैसे अभी गाड़ी और चलेगी तो ये पर्च अपना काम करेगा। और क्या बोल रहे थे मनोज भैया, बहुत अच्छा बहुत स्मूथली है, क्योंकि जैसे नई गाड़ी भाग लाते हैं तो उससे अच्छा है। हाँ मतलब उतना नहीं मतलब कि हाँ, पर फर्क महसूस पड़ रहा है। और अभी अभी जैसे जैसे ये पर्ज काम करेगा ना अच्छे से, वैसी वैसी ये क्या बोलते हैं आपका और भी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स निकल के आएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बता दूंगा कि कैसा मेरा क्या पूरा कंप्लीट रिस्पॉन्स रहा। अभी मैं इसे कुछ दिनों तक टेस्ट करता रहूँगा इतने डीजल के साथ, जिससे ये कम्प्लीटली गाड़ी पर्ज हो जाए, और फिर इसके बाद मैं एडिटिव की वीडियो भी आपको बताऊँगा कि उसका क्या यूज़ है। सो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्कॉर्पियो वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको कोई डाउट है, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।